सवाल मेरा ये था कि भाई मैं क्लासरूम में गया तो मेरे पास 50 ऑप्शन हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि मैं बैठ गया पहली सीट पे, तो मेरा दोस्त जब आएगा उसके पास कितने ऑप्शन होंगे? सबने आप सवाल सुन लें। अब आप ना, सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर किया था, तो अब आप जिस तरह से सोच रहे हो उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दें। अब मेरा सवाल सुन लीजिएगा दोबारा। मैं क्लास में गया, सपोज कर लिया कि ये 50 सीट्स हैं और मैं बैठ गया इस पहली सीट पर। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं इधर बैठ गया। जब मैं यहां बैठ गया तो मेरे दोस्त के पास कितने ऑप्शन है? 49। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? और तो कोई बात नहीं है, सुनते रहिएगा पहले। इसका मतलब है मैं अगर यहां बैठता हूं तो मेरे दोस्त के पास जो ऑप्शन है, अगर मैं यहां बैठता हूं मेरे दोस्त के पास जो ऑप्शन है तो 49 है। इसका मतलब है अगर मैं यहां बैठता हूं तो उसके पास 49 ऑप्शन है नंबर वन पे। इज इट क्लियर? लेकिन सपोज करिए कि मैं सीट नंबर वन पे नहीं बैठा था, मैं सीट नंबर टू पे बैठता हूं। अब मेरा दोस्त अंदर आता है तो अब उसके पास कितने ऑप्शन है? अभी भी 49 है। इसका मतलब अगर मैं सीट नंबर टू पे बैठता हूं तो भी उसके पास 49 ऑप्शन है। समझ में आ रही है ना बात? अगर मैं सीट नंबर टू पे नहीं बैठा और सीट नंबर थ्री पे बैठ गया तब भी उसके पास कितने ऑप्शन है? 49। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच ऑफ माई चॉइस माई फ्रेंड हैव 49 ऑप्शन। इसका मतलब है मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 50। उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी? 49। तो मेरी हर चॉइस के लिए उसके पास 49 चॉइस है, तो 50 मल्टीप्लाई होगा 49 से। ये बात समझ में आई या नहीं आई? 50 माइनस 1 नहीं, 50 मल्टीप्लाई होगा 49 से। अब वो स्टूडेंट जो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कह रहे थे बार बार, उनको समझाना चाह रहा हूं। तकरीबन सभी कह रहे थे फैक्टोरियल बेटा उस केस में लगता है जब जितनी चॉइसेस हो और सबको फिल करना हो। मतलब अगर आपके पास 50 सीट्स होती और 50 ही स्टूडेंट होते तो आप कहते 50 फैक्टोरियल। अगर आपके पास 50 सीट्स होती और 50 ही स्टूडेंट होते तो आप कहते 50 फैक्टोरियल। पहली प्रॉब्लम जिसमें 3 सीट्स थी और 3 स्टूडेंट थे तो आपने 3 फैक्टोरियल बोला। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात आ रहा है उसमें बेटा। पहली प्रॉब्लम थी जिसमें आपने 3 सीट्स पे 3 स्टूडेंट को बिठाया, 3 फैक्टोरियल मिलेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम में आप सब गलती कर रहे थे। तो अब आप आए वापस, अब आप आ जाए वापस इसी जगह पे। कहां पर? इस प्रॉब्लम पे जो आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपके पास पहली क्वीन है, पहली क्वीन के पास कितने ऑप्शन है? 64। तो दूसरी क्वीन के पास कितने होंगे? 63। तो तीसरी क्वीन के पास कितने होंगे? 62, 63, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 3, 3, 6, 2, 8। तो यहां तक के कॉम्बिनेशन बनेंगे, इन सबको आपस में क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना। गॉट इट? तो ये पॉसिबिलिटीज है एन क्वीन पजल प्रॉब्लम की। क्लियर हो गई बात? कैसे नंबर निकाला मैंने ये, कि मैंने सबको फिल नहीं करना, मेरे पास जितनी क्वीन है वहीं तक लेके जाऊंगा मैं फैक्टोरियल। यहां पर फैक्टोरियल नहीं आएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 64 क्वीन होती और 64 ही ब्लॉक्स होते तो मैं 64 का फैक्टोरियल निकालता। अब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज इस नंबर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके जो पॉसिबल सॉल्यूशन है 92 या 93 है। तो सोचिए इतने बड़े स्पेस में 92 93 सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो जब हम सर्चिंग करते हैं तो हमारे पास कभी कोई सॉल्यूशन आता है, कभी कोई सॉल्यूशन आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्चिंग में अलग अलग एल्गोरिथम है। तो आई बिलीव कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वो प्रॉब्लम है जो थ्रू आउट में आगे लेके चलूंगा चीजें समझाने के लिए। ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आ जाए वापस। किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करना है तो वो सर्चिंग से हो सकता है। स्टेट स्पेस में आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा या कल जो आपने असाइनमेंट सबमिट किया वो कहलाता है स्टेट स्पेस। मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो ये चीजें याद रखनी है आपने कि स्टेट स्पेस क्या होता है।
अब जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व स्टिल की सूरत में बन जाती है। आपने जो असाइनमेंट सबमिट किया है वो एक ट्री बनाई है आपने। इसीलिए मैंने फोकस बार बार किया था कि असाइनमेंट सबमिट खुद कीजिएगा, कहीं से कॉपी नहीं कीजिएगा, ना किसी से हेल्प लीजिएगा, जो आपको समझ में आता है, ताकि आपको ट्री डिजाइन करना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ट्री बहुत बड़ी हो गई है, तो कॉन्सेप्ट यही था कि सिखाना था। तो जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सर्च ट्री की सूरत में बन जाती है एंड जनरेट होती है इनिशियल स्टेट से सक्सेसर फंक्शन को यूज करते हैं। एक इनिशियल स्टेट होती है वो कोई भी हो सकती है। एक्सपेंडिंग का मतलब ये कि इनिशियल स्टेट से जो पॉसिबल चाइल्ड बने उनको आप एक्सपेंड कर दें। लीफ नोड क्या होती है? लीफ नोड वो होती है जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर हम एक टाइल की बात करें या अपने असाइनमेंट की बात करें, तो असाइनमेंट में वो स्टेट जिससे मजीद कोई स्टेट नहीं बन रही थी, याद है ना आपके पास टू वन प्रॉब्लम में, जहां पर वहां पर मजीद कोई ऑप्शन नहीं था। टू वन प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो लीफ नोड कहलाएगी। ये देखिएगा, ये एक स्टेट है, इसके तीन चाइल्ड है, ये एक स्टेट है, इसके तीन चाइल्ड है। अब इससे चार बन रहे हैं, इससे दो बन रहे हैं, इससे दो बन रहे हैं। तो यहां मैं जो चीज नोट कर रहा हूं, मैं वो चीज नोट कर रहा हूं यहां पर, कि जब मैं कहता हूं कि किसी नोड को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, तो एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है कि इसके ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं। प्लीज मेक इट क्लियर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंड करना और उस नोड पे जाना। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि फर्ज करें मैं यहां खड़ा हूं, मैंने जैसे ही एडिट को एक्सपेंड किया तो ये तीन ऑप्शन आ गए। इन तीन ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं इन तीनों पर चला गया हूं, इन तीन ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि मैं इन तीनों पर चला गया हूं। इन तीन ऑप्शन का मतलब ये कि इन तीनों ऑप्शन को मैंने एक्सप्लोर किया है कि ये मौजूद है। अब मैं अगर फर्ज करें इसको चूज करता हूं, तो फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं इस बात में कि मैं अगर नीपा पे खड़ा हूं, मेरे पास चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं चारों पे चला गया। समझ में आ रही है बात? आप जिंदगी में कहीं पर भी खड़े होते हैं, आपके पास ऑप्शन आते हैं, तो आप क्या करते हैं उन ऑप्शन में से किसी एक को चूज करके वहां चले जाते हैं। बाकी तीनों आपको पता होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उन तीनों को भी चले गए। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, मुझे नहीं पता आगे कि टी से आगे क्या है, मुझे नहीं पता जेड से आगे क्या है, क्योंकि मैंने इनको एक्सपेंड नहीं किया। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो एडेड है इसके तीन चाइल्ड में ये दोनों मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं पता इनसे आगे क्या कनेक्शन है। अगर मैं इस पर जाऊंगा तो ही ये बता सकता हूं आगे क्या है। जब तक मैं इस पर जाऊंगा नहीं, मैं इससे आगे का नहीं बता सकता। ये ग्रीन वाला पार्ट मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं इस पर गया तो मुझे इसके चारों ऑप्शन पता चल गया, चार है, 400 जितने भी है वो सब मुझे पता चल गया। समझ में आ रही है बात? समटाइम्स ना सर्चिंग इस तरह से होती है कि भाई आपके पास चार, आप एक जगह पे गए और आपने चारों ऑप्शन एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपने कहा पहले ऑप्शन पे चला जाऊंगा, मतलब जहां पहला रास्ता मिलेगा वहां चला जाऊंगा, तब आपको ये भी नहीं पता कि ये तीन ऑप्शंस क्या है। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप प्रॉब्लम किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये कि आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेट स्पेस में और सर्च ट्री में फर्क है। मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, रुक जाए। स्टेट स्पेस जो होता है उसमें कभी भी उसमें साइक्लिक पाथ नहीं होता। मतलब क्या, ये देखें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम बार बार एक चीज रिवाइज करते हैं। अब मैंने कहा ए पे खड़ा हूं, अब ए के मैंने कहा तीन ऑप्शन है, ए कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी स्टेट, बी सी और डी, ठीक है? सम आओ, मैंने बी को, मैंने सी को चूज कर लिया। अब सी के चार ऑप्शन है, सी के चार ऑप्शन में एक तो ए मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि अगर ए का ऑप्शन सी है तो सी के ऑप्शन में ए होना चाहिए,
सही कह रहे हो गलत? अगर नीपा से सिविक सेंटर जा सकता हूँ तो सिविक सेंटर से नीपा भी जा सकता हूँ, सही कह रहे हो गलत? तो जो स्टेट स्पेस होता है उसमें ये अलाउ नहीं है, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई, तो ये अलाउ नहीं है स्टेट स्पेस में। जिस नोड को आपने अभी बना लिया है उसके पेरेंट को दोबारा जनरेट नहीं कर सकते उसके चाइल्ड से। ये देखें, स्टेट स्पेस में यूनिक स्टेट्स होती हैं, एक स्टेट जो एक दफा आ जाए वो दोबारा नहीं आ रही होती। अब अगर फर्ज कर ले यहां मैं बात करूं, ये डी, डी के ऑप्शन में आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, अब यहां जाके दोबारा ए बनना चाह रहा है, मतलब एक रास्ता घूम के दोबारा से आपको उस स्टेट पे लाया है जो आप पहले देख चुके हैं। तो स्टेट स्पेस में ये अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है, आप ये बना ही नहीं सकते। जिस स्टेट पे आपने पहले कभी देख लिया है वो दोबारा से आपके सिस्टम में नहीं आ सकती, वो कहलाता है स्टेट स्पेस। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन सर्च ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है। अब सर्च ट्री के अंदर ऐसा हो सकता है, अगर आप स्टेट स्पेस बनाना चाह रहे हैं तो आपको इन तमाम स्टेट्स का रिकॉर्ड याद रखना पड़ेगा कि आपके पास वो स्टेट जो पहले आ चुकी है दोबारा ना आए। हम बात करते हैं इस पर, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्टेट से अगर बात करें तो चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट है। देखें, एक स्टेट है तो उस स्टेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे नोड है, इसको मैं नोड कह रहा हूं स्टेट। देखें, एक टाइप बदल प्रॉब्लम की बात करें तो ये एक स्टेट है इस वक्त, ये किसी ना किसी स्टेट से बनी होगी, वो उसकी पैरेंट नोड कहलाएगी। ये किसी ना किसी स्टेट से बनी होगी वो उसकी पैरेंट नोड कहलाएगी, मतलब फर्स्ट पे हो सकता है एक यहां पर मैंने मूव किया हो तो ये वाली स्टेट बन गई, समझ रहे? इससे कितने चाइल्ड बन सकते हैं, वो इसके चाइल्ड कहलाएंगे। ये चाइल्ड है इसके जो इससे डिजाइन हो सकते हैं, क्लियर? ये रूट से या इनिशियल स्टेट से, ये इनिशियल स्टेट से कितने लेवल दूर है ये इसकी डेप्थ कहलाती है। मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट से मैंने कितने एक्शन परफॉर्म करके ये स्टेट अचीव किए, ये इसकी डेप्थ कहलाएगी। डेप्थ का मतलब क्या होता है, ये कितना दूर है अपने इनिशियल स्टेट से लेवल वाइज। मैंने आपसे पिछली क्लास में बोला था कि जब आप एक टाइल पजल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक टाइल पजल प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको ये करना है कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो सात लेवल्स तक आपने काम करना है। ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? और डेफिनेटली आंसर नहीं आया होगा, ये बात मैंने बोली थी या नहीं बोली थी? क्या ये बात बोली थी? तो बेसिकली मैं रूट से लेके आपका कितना डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका डेप्थ। सही है जी? अच्छा जी, अब मैं एक एल्गोरिथम आप पढ़ लें या दो एल्गोरिथम आप पढ़ लें तो आप कैसे बता सकते हैं कि सर ये एल्गोरिथम बेहतर है या ये एल्गोरिथम बेहतर नहीं? कुछ ना पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लिए थे, दो मैं बताऊंगा आपको अभी स्क्रीन पे और दो मैं आपको बताऊंगा व्हाइट बोर्ड पे एक एग्जाम्पल समझाते हुए। तो मैं जो बताऊंगा उसको आपने याद रखना है, क्योंकि देखिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगी जब मैं आपसे बोलूंगा ना ये एल्गोरिथम बेहतर है और ये बेहतर नहीं है, तो आप कंफ्यूज ही जाएंगे कि सर ने ये बात क्यों बोली है। तो काइंडली फोकस कीजिएगा, एक एल्गोरिथम होता है, एक पैरामीटर होता है एल्गोरिथम का इवैल्यूएशन करने का, सर्चिंग की कंप्लीटनेस। अब जब भी मैं कंप्लीटनेस का वर्ड यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? जब भी मैं कंप्लीटनेस का, मैं कहता हूं ये एल्गोरिथम कंप्लीट है या ये एल्गोरिथम कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होता है बेटा कि आप एक चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप एक एल्गोरिथम, आप एक चीज का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या उस चीज का सोल्यूशन वहां एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसका आपसे भी ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं एग्जाम में 101 नंबर लिया और पेपर मैंने 100 नंबर का दिया, समझ रहे हैं मेरी बात?
दोबारा समझा देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि कराची शहर के अंदर आप केटू की पहाड़ी होंगे तो आप अलगौरता में, अब एक चीज कराची शहर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? सवाल सुन ले मेरा और जवाब दे दे, जब एक चीज है ही नहीं सिस्टम में तो क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? इवन की कोई भी उसे ढूंढ सकता है? नहीं ढूंढ सकते ना। तो इसका मतलब है कि पहली बात तो यह है कि जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं उसमें आपका ताल्लुक जब होगा जब वो चीज सिस्टम में शामिल हो। अब हम ये बिलीव करते हैं कि जो चीज हम सिस्टम में ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग में ढूंढ रहे हैं, वो चीज मौजूद है। पहली बात, अगर वो चीज मौजूद ही नहीं है तो आप और मैं और कोई भी है उसको ढूंढ के ला ही नहीं सकता। क्लियर हो गई बात? अब आ जाते हैं कि एक चीज मौजूद है, एक चीज मौजूद है, एक एल्गोरिथम कहता है कि यार मैं गारंटी देता हूं कि अगर एक चीज मौजूद है तो मैं ढूंढ के लाके दूंगा, कोई और बात नहीं कर रहा मैं एक्स्ट्रा कि जल्दी लाके दूंगा देर में लाके दूंगा, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि एक एल्गोरिथम है वो कहता है कि मेरी तरफ से गारंटी है कि अगर ये चीज सिस्टम में मौजूद है तो मैं लाके दूंगा, तो मैं उस एल्गोरिथम को कह सकता हूं कि ये एल्गोरिथम कंप्लीट है। समझ रहे? एक चीज सिस्टम में मौजूद है मतलब एक आंसर मौजूद है और मेरा एल्गोरिथम मुझे गारंटी दे रहा है कि मैं उसे लाके दूंगा, तो मैं कहूंगा मेरा एल्गोरिथम क्या है? कंप्लीट है। गॉट इट? अब सवाल ये आ जाता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज मौजूद हो और कोई एल्गोरिथम कह दे कि मैं उसे लाके नहीं दूंगा? ऐसा हो सकता है ना सवाल आपके दिमाग में? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज मौजूद है और एक एल्गोरिथम बोल दे यार मैं गारंटी नहीं दे रहा? बिल्कुल ये सवाल आना चाहिए। तो देखिए सर्चिंग के ना तरीके होते हैं। आपको मैं पेपर करने को देता हूं, आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमेशा सीक्वेंस वाइज पेपर करते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं हम तो वो सवाल करेंगे सबसे छोटा जो है पहले, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो लेंदी सवाल पहले कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो आई नहीं रहा कुछ, तो स्टूडेंट कहते हैं कि कोई सा भी सवाल कर लो। हर किसी के ना पेपर करने का एक तरीका होगा, ऐसा ये इसी तरह से सर्चिंग का भी हर एल्गोरिथम का अपना एक तरीका है। तो उस मेथड के हिसाब से इट माइट बी पॉसिबल कि आपका एल्गोरिथम किसी जगह पे फंस जाए और आंसर मौजूद होने के बावजूद वो आपको आंसर लाके ना दे। जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर? एल्गोरिथम अपनी मर्जी से काम कर रहा है, प्रॉब्लम आपकी है, एल्गोरिथम की मर्जी है कि वो किस तरीके से सर्च कर रहा है। तो एल्गोरिथम हो सकता है कि जिस तरीके से सर्च कर रहा है उस तरीके से आंसर ना मिले मौजूद होने के बाद भी। मतलब क्या, एक मिसाल देता हूं सिंपल सी, देखें ये आपका एल्गोरिथम है ए से बी पे गया अपनी लॉजिक से, क्यों किया? देखें क्यों का जवाब एल्गोरिथम देगा भी थोड़ी देर, सी से डी पे गया और डी से समहाउ जब उसने चेक किया तो वो दोबारा से ए पे चला गया। देख रहे हैं आप, ए से बी, बी से सी, सी और उसका आंसर था ई, लेकिन वो डी से चला गया ए पे। क्यों किया? उसकी लॉजिक ये कहती थी कैलकुलेशन वाइज कि मुझे डी से ए पे जाना चाहिए। अब ए से दोबारा वो किस पे जाएगा? जी, क्योंकि ऊपर अगर ए से बी पे जाएगा तो नीचे भी, तो ये साइकिल चलता रहेगा, साइकिल चलता रहेगा, आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए गारंटी खत्म हो गई। गॉट इट? अब आपको आंसर चाहिए तो आप एल्गोरिथम यूज ना करें, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं एल्गोरिथम अपनी मर्जी से काम कर रहा है, हमें उसको यूज करना है या करना है उसकी मर्जी है। लेकिन हो सकता है ये एक नुकसान है, हो सकता है इसके फायदे हो बहुत, तो हम बाद में पढ़ेंगे कि किस एल्गोरिथम की बात हो रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कि एक सिस्टम में मौजूद हो, दस दा एल्गोरिथम गारंटीड टू फाइंड अ सॉल्यूशन मैन दे रहा है, आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की, अगर मौजूद है तो एल्गोरिथम कंप्लीट है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? अच्छा, ऑप्टिमलिटी, ऑप्टिमल एल्गोरिथम ऑप्टिमल है या नहीं है, बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूं,
पहली बात तो कंप्लीट हो रहा तभी ऑप्टिमल हो सकता है, मतलब अगर कंप्लीट है तो ही ऑप्टिमल वाली बात करूंगा वरना नहीं कर रहा। कंप्लीट है ऑप्टिमल हो सकता है ना, वो कंप्लीट हो सकता है ऑप्टिमल हो, अगर आंसर लाके नहीं दे रहा तो ऑप्टिमल वाली बात तो चेक ही नहीं कर सकता मैं। ऑप्टिमल का ताल्लुक ये है बेटा कि एक से ज्यादा आंसर मौजूद है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो आपका एल्गोरिथम आपको बेस्ट सॉल्यूशन लाके देता है या नहीं देता, हमेशा 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 का मतलब हमेशा होता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद है तो क्या आपका एल्गोरिथम गारंटी दे रहा है कि मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन लाके दूंगा? अब बेस्ट का क्राइटेरिया आप सेट करें कि आपके लिए बेस्ट क्या होता है, कॉस्ट कम है, टाइम कम है, लेवल्स कम है, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम आपको गारंटी दे रहा है कि मैं बेस्ट सॉल्यूशन लाके दूंगा तो आपका एल्गोरिथम ऑप्टिमल है, अदरवाइज ऑप्टिमल नहीं है। अब यहां जो है ना स्टूडेंट को एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए, पहले तो मुझे ये बताइए ऑप्टिमल समझ में आ गया? एक चीज क्लियर कर लेनी चाहिए, फर्ज करें मैं एक एल्गोरिथम हूं ऑप्टिमल, अब मैं मेरे ऑप्टिमल होने का ताल्लुक ना प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ओवरऑल ऑप्टिमल हूं, मतलब क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने कहा भाई मैं तो 4 GPA लेके आता हूं, अब मैंने एक कोर्स पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मेरी 4 GPA आ गई, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर उस्मान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑप्टिमल है, अगर मैं दूसरा कोर्स पढ़ू उसमें भी मुझे 4 लाना है, तीसरा पढ़ू उसमें भी 4 लाना है तो मैं ऑप्टिमल हूं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मैं डिसाइड करूंगा कि एल्गोरिथम या तो ऑप्टिमल होगा या नहीं होगा, प्रॉब्लम से उसकी ऑप्टिमिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब एक एल्गोरिथम है वो एक जगह पे ऑप्टिमल आंसर लाके दे रहा है, एक प्रॉब्लम में ऑप्टिमल आंसर लाके नहीं दे रहा, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर ये वहां ऑप्टिमल है या ऑप्टिमल नहीं है, या तो एल्गोरिथम ऑप्टिमल होता है या नहीं होता। क्लियर है? 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, 49 में लाके दे रहा, एक में लाके नहीं दे रहा, मैं कहूंगा ये ऑप्टिमल नहीं है ओवरऑल। मैं आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगा, मैं कहूंगा ये ऑप्टिमल है तो बस वो ऑप्टिमल होगा, फिर आप उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, ये दो चीजें और लिखी हुई है, टाइम और स्पेस। बिल्कुल देखिए, हर प्रॉब्लम के लिए मैं आपको ना दो तीन एल्गोरिथम बताऊंगा, एक दो मैं कहूंगा ये ऑप्टिमल होते हैं, अब आप उसको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें मैं ऑप्टिमल आंसर देंगे, प्रॉब्लम डिसाइड नहीं करेगी कि वो ऑप्टिमल है या नहीं है, प्रॉब्लम बाद में वेरीफाई कर देगी कि वो ऑप्टिमल है, बस सिंपल सी बात है। तो स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर एक एल्गोरिथम भाई देखे अगर जो ऑप्टिमल नहीं है वो हो सकता है कभी ऑप्टिमल आंसर लाके दे दे, लेकिन कभी लाके देने से वो ऑप्टिमल नहीं हो जाएगा, समझ रहे? तो यहां तक दोनों चीजें समझ में आ गई। अब जो है ये दो चीजें लिखी है, टाइम और स्पेस। स्टूडेंट ये समझते हैं कि उनको ये टाइम और स्पेस पता है कि क्या होता है, तो आप में से मुझे बता सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ये बेहतर एक एग्जाम्पल से ही मैं समझा सकता हूं, तो मैं जरा एग्जाम्पल की तैयारी कर लेता हूं, आप लोग जरा मुझे बताएं कि टाइम और स्पेस क्या होता है। थोड़ा सा बता दे, नहीं पहले मुझे बताएं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। सर अगर ये जवाब इतना सिंपल होता तो मैं पूछता ही नहीं, ये नाम से पता चल रहा है। टाइम क्या कैलकुलेटर लेके बैठे हुए होते हैं, स्टॉप वॉच लेके बैठे हुए होते हैं, सवाल ये है मेरा क्या हम स्टॉप वॉच लेके बैठे हुए होते हैं? डेफिनेटली जवाब नहीं है, तो आप तो टेक्निकल होकर बताएंगे ना मुझे। हाँ बिल रोटेशन तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाँ वो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यह बता दूंगा,
पहले चलिए थोड़ा सा रुक जाए, ये दो चीजें ना अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाते हैं, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ लेते हैं फिर हम बात करते हैं। हाँ, नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, नंबर ऑफ फर्दर चीजें हो सकती है, ये बताते हैं। अच्छा, इन ए आई कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्सप्रेस, मैं अभी दोनों चीजें बताऊंगा, तो मैं एल्गोरिथम बताऊंगा, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्या आप में से किसी ने ब्रांचिंग फैक्टर का नाम सुना है? ये भूलना नहीं है जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, जो आने वाले 6-7 हफ्ते तक ये रहेंगी। अच्छा, ब्रांचिंग फैक्टर मुझे पता है, बाइनरी ट्री क्या होती है? बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री 0 और 3 नहीं होती, मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड ऑफ ईच नोड, मैक्सिमम ऑफ टू चाइल्ड, ठीक है। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैक्सिमम हर नोड के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मतलब अगर मैं एक ट्री बना रहा हूं जिसमें मैक्सिमम 2 चाइल्ड है हर नोड के, मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 0 भी, तो वो ट्री कहलाएगी बाइनरी। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 2 होता है, तो आपने क्या समझा? अब अगर मैं आपसे कहूं कि बाइनरी ट्री का ब्रांचिंग फैक्टर 2 होता है, तो आपने क्या चीज पिक किया? से क्या चीज पिक किया आपने? आप यहां ये पिक कर सकते हैं कि सर आपने ये बोला है, ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि किसी भी ट्री के अंदर मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकता है, ऐसे ही है? बिल्कुल। अब अगर मैं ब्रांचिंग फैक्टर की डेफिनेशन पूछूं वसीम, तो ब्रांचिंग फैक्टर की डेफिनेशन ये होगी कि किसी भी ट्री के अंदर मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं, वो कहलाता है ब्रांचिंग फैक्टर। अमार क्लास में मौजूद हो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जरा पार्टिसिपेंट्स का। तो ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब ये हुआ कि किसी भी ट्री के अंदर मैक्सिमम चाइल्ड कितने जनरेट हो सकते हैं। अब अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि एक टाइप अगर प्रॉब्लम में ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, सोच के बताइएगा। एक टाइप अगर प्रॉब्लम में ब्रांचिंग फैक्टर क्या है? फिर हमने बताया 4 है, सही कह रही है गलत कह रही है? ठीक है, और बच्चों ने बताया 4 है, डिपेंड नहीं करता, ताकि 4 है। आप जो एक टाइप बदल प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं ताकि उसमें 4 ही है, क्योंकि आपने बोला सर 4 ऑपरेशन हो सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो 4 आ गया, सही है। ब्रांचिंग फैक्टर मैक्सिमम की बात हो रही है, किसी कॉर्नर पर आप खोलेंगे तो 2 बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? 4 बन सकते हैं, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना, यही ब्रांचिंग फैक्टर है। अब अगर मैं आपसे कहूं टिक टैक टो गेम खेलिए टिक टैक टो, तो उसका ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा, सोच के बताइएगा। टिक टैक टो खेलने ब्रांचिंग फैक्टर क्या होगा? सोच के बताइए, आपको एक ब्लैंक, आपको एक ब्लैंक बोर्ड दे दीजिएगा, ब्लैंक 9 होगा, 9, ठीक है। तो आपके पास कितने ऑप्शन होते हैं इनिशियली, इनिशियली कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? 9 होते हैं, यही बात तो कर रहे हैं। तो ये चीज ना समझ नहीं है आपने कि ब्रांचिंग फैक्टर का मतलब क्या है, समझ में आ गया? क्या कह रहे हैं? ब्रांचिंग फैक्टर बेसिकली द मैक्सिमम नंबर ऑफ सक्सेसर ऑफ एनी नोड, गॉट इट? अच्छा जी, बी द डेप्थ ऑफ द शैलोस्ट गोल्ड नोड, शैलोस्ट का मतलब होता है लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन, बी का मतलब होता है डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। क्या मतलब है, क्या मतलब है सर इसका? मैं मतलब बता देता हूं आपको, जैसे फर्स्ट करें 1, 2, 3, यहां पर आपका एक आंसर है, ये एक और है, ये एक लेवल और है, ये एक लेवल और है, ठीक है।
सपोज कर लें कि आपके पास दो आंसर है, एक आंसर यहां रखा हुआ है, एक आंसर यहां रखा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, थ्री फोर फाइव, एक आंसर फोर पर है, एक आंसर फाइव पर है, तो डी इस वक्त होगा फोर। डी क्या होगा इस वक्त? फोर। डी होता है बेसिकली डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। डी क्या होता है? डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। क्लियर? स्मॉल डी, यहां पर स्मॉल डी का मतलब ये डेप्थ ऑफ द लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन। तो अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो लीस्ट कॉस्ट सॉल्यूशन की डेप्थ। अच्छा जी, एक और चीज है वो है एम। एम कहलाता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी पाथ इन द स्ट्रेट स्पेस। एम कहलाती है ओवरऑल डेप्थ, मतलब टोटल कितनी डेप्थ है आपकी, ये आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा। अब टाइम और स्पेस यहां पढ़ेंगे फिर मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा। नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड ड्यूरिंग द सर्च। अब यहां टाइम और स्पेस में थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचते हैं। नंबर ऑफ नोड्स जनरेटेड ड्यूरिंग द सर्च ये कहलाता है टाइम, और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स स्टोर्ड इन मेमोरी ये कहलाता है स्पेस। ये दोनों शायद आपको अभी समझ में ना आए अंटिल और अनलेस मैं आपको पहला एल्गोरिथम ना करवा दूं। तो मैं आपको पहला एल्गोरिथम करवा रहा हूं, ठीक है? अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एल्गोरिथम। तो ये जितनी भी मैंने बातें की हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी मेमोराइज करना है, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम पढ़ रहे होंगे तो ये चीजें फिर बीच में आए कि डेप्थ क्या होती है सर, एम क्या होता है, या ब्रांचिंग फैक्टर क्या होता है, या हमें ये नहीं समझ में आ रहा। एम था बेटा टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ। फर्स्ट करें आपकी डिग्री में 10 लेवल्स हैं तो टोटल डेप्थ। आपने एक टाइप बदल दिया था उसमें 7 लेवल था आपको, एम हो गया 7। अगर आपका आंसर 3 वाली में कहीं पड़ा हुआ तो 3 हो गया, डी हो गया। अच्छा भाई, आपकी सर्चिंग जो मेथड्स है वो दो तरह के, सर्चिंग मेथड आपके दो तरह के। पहला क्या आता है? अनइन्फॉर्म या ब्लाइंड सर्च। अनइन्फॉर्म को ब्लाइंड सर्च भी जाता है, ब्लाइंड सर्च। और दूसरा क्या आता है आपका? इनफॉर्म सर्च या ह्यूरिस्टिक सर्च। अब ब्लाइंड सर्च या अनइन्फॉर्म सर्च क्या होते हैं हम ये पढ़ रहे हैं आज, जब हमारी ये खत्म हो जाएंगे इसमें 4-5 एल्गोरिथम में। जब हम ये पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक होंगे, मतलब इसके अंदर ही हमारे काफी सारे टॉपिक हैं, फिर हमारे टॉपिक होगा इनफॉर्म सर्च। इनफॉर्म सर्च क्या होता है ब्लाइंड? अब नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ब्लाइंड सर्च के अंदर सर हमें कुछ बताया हुआ नहीं है शायद, या कोई हेल्प नहीं हुई थी। तो डेफिनेटली हेल्प का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अनइन्फॉर्म सर्च क्या है कि जिसमें हमें ये गिवन नहीं होता कि कॉस्ट क्या है, मतलब क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है? हमें ये गिवन नहीं होता कि, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात करूंगा मैं आपसे और आपको मैं बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये सुन लें कि इन्फॉर्म सर्च का कॉन्सेप्ट क्या है और अनइन्फॉर्म का। मैं जरा आपको यहाँ पर थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पर देखें, एक ये सर्च स्पेस है आपके पास, ए बी ई डी ई एफ। अच्छा, यहां पर जो मैं एबीसीडी लिख रहा हूं ना, एबीसीडी, इस एबीसीडी का मतलब कोई स्टेट है, स्टेट कोई भी स्टेट हो सकती है, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पर एक टाइप अगर भी हो सकता है, यहाँ पर टिक टैक टो भी हो सकता है, यहाँ एन कोइन भी हो सकती है, हम पूरी पूरी तो नहीं बना रहे। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं मेरा एल्गोरिथम मुझे ये कहता है कि बी पे चले जाओ, इस प्रॉब्लम में मुझे ई ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ई। फर्स्ट सीरीज इस प्रॉब्लम में मुझे ई ढूंढना है। मेरा एल्गोरिथम मुझे अपनी लॉजिक से ये कहता है, मैं फिर रिपीट करता हूं, एल्गोरिथम मेरी लॉजिक नहीं है, एल्गोरिथम मुझे कहता है यार तुम बी पे चले जाओ। तो मुझे ये बताइए, क्या ए से बी पे जाते रहे, मुझे ये बात पता है बी पे पहुंच के कि मेरा ई कितनी दूर है, या क्या मैं ई से करीब हो रहा हूं या दूर हो रहा हूं? क्या ए से बी पे जाते हुए मुझे ये पता चला कुछ कि मैं बी पे जाता हूं तो मुझे कोई फायदा हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, या मैं अपने गोल से कितना करीब हो रहा हूं या मैं अपने गोल से कितना दूर हो रहा हूं? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई है?
फर्स्ट सी पे चला गया, सी पे जाने के बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं अपने गोल से करीब हो रहा हूँ या दूर हो रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ए से सी जो चूज किया है कुछ सोच के चूज किया नहीं, अल्गोरिथम ने बोला ये चूज कर लो, हमने कर लिया। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि हम अपनी गोल स्पीड से करीब हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्स्ट ने यहां लिखा होगा टू और यहां लिखा होगा थ्री। अब दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ए से बी पे जा रहा हूं। मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूं, मैं ए से बी पे जा रहा हूं, क्या मुझे ये पता चल रहा है कि बी पे जाने के बाद मुझे कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या मुझे ये पता चल रहा है कि बी पे जाने के बाद मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? लेकिन मुझे ये पता है कि ए से बी जाऊंगा तो मेरी कितनी कॉस्ट खर्च, नहीं कॉस्ट पता, हाँ कॉस्ट तो पता है आपको, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि ए से बी जाने की कॉस्ट कितनी है, लेकिन क्या मुझे ये पता चल रहा है कि बी से ई कितनी दूर है, या बी पे जाऊंगा तो ई मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या ये पता चल रहा है? तो कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट, कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट। आप अपनी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, कॉस्ट खर्च कर रहे होते हैं, आपको टारगेट का नहीं पता होता, आप कहीं जा रहे होते हैं, आप पेट्रोल खर्च कर रहे होते हैं, आपको यही पता होता है कि आप पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप एक नई जगह पे जा रहे हो। समझ रहे हो अपनी बात? तो कॉस्ट इज समथिंग डिफरेंट, कॉस्ट का ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आप अपने आंसर से करीब हो रहे या नहीं हो रहे इस प्रॉब्लम में। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि बी पे पहुंचने के बाद तुम्हारा आंसर 13 किलोमीटर दूर है और सी पे पहुंचने के बाद तुम्हारा आंसर 7 किलोमीटर दूर है, तो अब अगर जब तुम ए पे खड़े हो गए तो तुम्हें पता है कि यार सी पे जाऊंगा तो 7 किलोमीटर हो जाएगा और बी पे जाऊंगा तो 13 किलोमीटर हो जाएगा, तो फिर तुम किसे चूज करोगे? डेफिनेटली सी को चूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम में गिवन होगा तो सी को चूज करेंगे। तो अगेन अनइन्फॉर्म सर्च में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि जिससे आपको हेल्प मिल सके आपके आंसर की। समझ गए ये बात? ये बात को ना याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बार बार पढ़ें कि अनइन्फॉर्म सर्च में क्या बेसिक कंडीशन है, कि आपको ये नहीं पता होता कि आप जो भी स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टेप से आपको आपका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कहलाता है ब्लाइंड सर्च। हाँ, अल्गोरिथम अपनी मर्जी से काम करवा रहा होता है, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें अपना आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब इस स्टेप को चूज करने के बाद, इस स्टेप को चूज करने के बाद हमें अपना आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। गॉट इट? अच्छा जी, मीटिंग एंड हो रही है तो फिर हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, और ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आज क्विज भी है हमारा, बिल्कुल क्लास के लास्ट में क्विज होगा, तो जब क्विज होगा तो वो बता दूंगा आपको। गूगल क्लासरूम का कोड आपके वहाँ मौजूद है LMS पे, आप सबने ज्वाइन भी कर लिया है तो कोई भी वहाँ पर होगा, ठीक है? तो अब ये मीटिंग एंड हो रही है, तो इंशाल्लाह हम लोग मीटिंग जैसी दोबारा स्टार्ट होती है तो मैं आपको बोर्ड पे पहले एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा।